दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिना प्याज लहसुन और टमाटो के भिंडी की रेसिपी। ये थोड़ी सी खट्टी होगी, थोड़ी सी मीठी होगी और चटपटी भी जरूर होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ संजय, पहाड़ी कुकिंग चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। तो फिर देरी किस बात की, चलो करते हैं शुरू। 500 ग्राम मैंने भिंडी ली है, रात को ही मैंने इसे साफ कर लिया है, ओवरनाइट इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों अब इसकी चॉपिंग हम करेंगे। भिंडी को आप दोनों साइड से सबसे पहले काटें, फिर साइज इसका डिसाइड कर लें, आपको कितना बड़ा चाहिए इसका साइज, उस हिसाब से आप काटें। यहाँ पर मैं मीडियम साइज में इसको काट रहा हूँ। दोस्तों इस तरह से ही आप चॉपिंग करें तो बहुत बेहतर बनती है भिंडी की सब्जी। दोस्तों चॉपिंग हमारी प्रॉपरली हो गई है। दोस्तों अब मसाला लगाकर आप इसे मैरिनेट भी कर सकते हैं आधे घंटे के लिए। एक पैन में मस्टर्ड ऑयल लें, स्मोक आने तक हीट करें, साथ में सरसों के दाने आप जरूर डालें। दोस्तों कोरिएंडर सीड्स डालें, 2 से 3 आपने रेड चिली का प्रयोग करना है, क्यूमिन सीड्स की 1/2 टेबल स्पून डालें और 1/2 टेबल स्पून आपने फेन्युग्रीक सीड्स डालने हैं। दोस्तों मेथी और जीरा बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। फिर आपने भिंडी का प्रयोग कर लेना है। प्याज और लहसुन का प्रयोग हम करेंगे नहीं, डायरेक्ट इसे बनाएंगे। दोस्तों बहुत बढ़िया रेसिपी बनती है, एक बार आप मेरे तरीके से जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों 2 से 3 मिनट के लिए भिंडी की भुनाई ऑयल में करें अच्छी तरह से। दोस्तों पाउडर मसाले डालें, हल्दी आपने चुटकी भर डालनी है, थोड़ा सा आपने गर्म मसाला डालना है दोस्तों, और बहुत सारा आपने धनिया पाउडर डालना है। धनिया पाउडर बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप जरूर करना, और थोड़ी सी रेड चिली कलर के लिए आप जरूर डालें। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करूंगा और अमचूर का प्रयोग आपने जरूर करना दोस्तों, इससे आपकी रेसिपी थोड़ी सी खट्टी और मीठी बनेगी। दोस्तों फिर स्टर कर लेना है आपने पाउडर मसालों को अच्छी तरह से। अब पाउडर मसालों के साथ आपने भिंडी को कुक करना है, 3 से 5 मिनट तक इसे कुक करें। दोस्तों बिना प्याज लहसुन की रेसिपी है, आप देख सकते हैं और बहुत बढ़िया लग रही है। यहाँ पर फेनल सीड्स आपने जरूर डालना है, मीठी सौंफ और कैरम सीड्स का प्रयोग भी करना है, 1/2 टेबल स्पून डालें दोस्तों आप अजवाने जो होती है। फिर स्टर कर लें अच्छी तरह से। दोस्तों अभी हमने सॉल्ट का प्रयोग नहीं किया। दोस्तों शुरू में सॉल्ट आपने नहीं डालना है, अगर आप सॉल्ट डालेंगे तो फिर आपकी भिंडी जो है पानी छोड़ना शुरू करेगी। दोस्तों स्टर आपने अच्छी तरह से करना है, भिंडी को 3 से 5 मिनट तक आपने कुक करना है मसालों के साथ, बीच बीच में आपने स्टर करना है। गैस की फ्लेम आप मीडियम रखें, इस स्टेज पर आकर फिर आपने सॉल्ट का प्रयोग करना है। जब आपकी भिंडी 70% कुक हो जाए फिर आपने सॉल्ट डालना है। दोस्तों 1 ग्रीन चिली भी डालें और स्टर कर लें। अगर शुरू में सॉल्ट डालेंगे तो आपकी भिंडी जो है फिर चिपचिपी बनेगी दोस्तों, ड्राई नहीं बनेगी, तो इसलिए अंत में आप हमेशा भिंडी में नमक का प्रयोग करें दोस्तों, तो बहुत बढ़िया क्रिस्पी और क्रंची आपकी भिंडी बनेगी दोस्तों। तो दोस्तों आज भिंडी की बिना प्याज लहसुन की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और लगभग हमारी भिंडी जो है वो बिल्कुल कुक हो गई है। ज़्यादा टाइम नहीं लेती है भिंडी कुक होने में, 5 से 7 मिनट लेती है, तो हो गए हैं। अब इसे हम सर्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी भिंडी लग रही है और बहुत बेहतर कुक हो गई है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि बिना प्याज लहसुन और टमाटो की रेसिपी है। दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट हमारी भिंडी बनी हुई है और ग्रीन चिली बहुत प्यारी लग रही है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, गर्मा गर्म इसे सर्व करें, आप चपाती परांठा नान रोटी के साथ आप इसे खा सकते हैं दोस्तों, और टिफिन में भरकर स्कूल कॉलेज दफ्तर भी ले जा सकते हैं लंच करने के लिए। दोस्तों ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें, और आप किस तरह से इस रेसिपी को बनाते हैं ये भी जरूर लिखें, और साथ में मेरी रेसिपी आपको भिंडी की बिना प्याज लहसुन की पसंद आई होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी कुकिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन के साथ ऑल को भी